प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण की ओर देश बढ़ रहा है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राइट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली है। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए देश में अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है और साथ ही एक्सपोर्ट्स में भी वृद्धि हुई है। देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं, इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। सामान हो या सेवा का क्षेत्र, हमारा निर्यात 2021-22 में ऑल टाइम हाई रहा। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि जो बैंकिंग व्यवस्था आज से 10 साल पहले डूबने की कगार पर थी वो लाभ में आ गई है। उन्होंने कहा कि आज आपके पास एक ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय ले रही है। नीतिगत निर्णयों में बहुत स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ता है। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग व्यवस्था 8-10 साल पहले डूबने की कगार पर थी वह अब लाभ में आ गई है। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है,